हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश और आप देख रहे हैं रितेश वर्मा का टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई सैमसंग का A10 मॉडल हो और उसको अगर पिन लॉक लग जाए और हार्ड रिसेट करने के बाद जीमेल आईडी आप भूल जाते हैं और उसको ओपन नहीं कर पाते हैं, तो आप कैसे उसको ओपन करेंगे, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो लॉक होता है, मतलब जीमेल जाने पर उसको हम क्या बोलते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं FRP, गूगल लॉक। गूगल सिक्योरिटी रीजन से उसमें लॉक लगा देता है, जो कि कोई अगर आपका फ़ोन फॉर्मेट करता है तो उसको ओपन ना कर पाए। फिर वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ओपन होता है, या तो फिर इस तरीके से जो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे तरीकों को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए देखते हैं A10 FRP लॉक कैसे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है सैमसंग का A10 और इसमें क्या है कि गूगल की सिक्योरिटी लॉक लग चुकी है। मैंने इसको हार्ड रिसेट किया है। उसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पर जाकर जीमेल आईडी या पासवर्ड डालते हैं तो ये कनेक्ट नहीं होता है। तो हम इसको कैसे अनलॉक करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अब जीमेल आईडी नहीं ले रहा है। तो हमने इसको पहले वाईफाई से हमें कनेक्ट करना है। ये देखिए, हम इसको वाईफाई से पहले कनेक्ट कर लेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर इस सिम इंजेक्टर से जो ये सिम आपका दिख रहा है यहाँ पर पिन, उसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो है, जो सिम है लगा हुआ है, उस सिम में पहले पिन कोड डाल लेंगे। देखिए, ये पिन लगा हुआ है, तो हम सिम में जो आपके पास कोई पिन लगा हुआ सिम हो, जैसे इसमें सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ सिम हो, उसको ही इसमें इंसर्ट करना है। तो पहले आप अपने सिम में लॉक लगा लीजिए, फिर इसके ओपन करना है इस तरह से। उसके बाद जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको एक फंक्शन आना चाहिए। मैं फिर से करता हूँ, जैसे ही डाल के इजेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन आना चाहिए। अगर इस कंडीशन में फंक्शन नहीं आता है तो भी वरी, मतलब चिंता मत लीजिए। आप एक माउस, एक OTG केबल लीजिए, उसको फ़ोन के लास्ट पॉइंट में कनेक्ट कर दीजिए, चार्जिंग पॉइंट में। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपका माउस वर्क करने लगा। ये तरीका बहुत ही अच्छा है और मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपका फ़ोन ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो तरीका है उससे होता नहीं है। तो आपको जो सिम इंजेक्टर है निकला होना चाहिए और उसको झटके से करके इंसर्ट करके आपको ऊपर से स्क्रॉल करना होगा। फिर देखिए, फिर मैं कर रहा हूँ, पहले मैं इसे इंजेक्ट कर देता हूँ बाहर, पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर मैं इसको झटके से इंजेक्ट करके, ये देखिए, पहले मैं वापस आता हूँ पूरा। जैसे मैं इसको इंसर्ट करूँगा, मैं ऊपर से मतलब स्क्रॉल करूँगा, ये देखिए, ये स्क्रॉल करने पर क्या है कि ऊपर की एक स्क्रीन नीचे आएगी, उसमें नोटिफिकेशन लिखा होगा। देखिए, नहीं, आपको बार बार करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब तक करिए तब तक कि आपका वो फंक्शन आ ना जाए, और वो आएगा ज़रूर, आप टेंशन मत लीजिएगा, वो आएगा ज़रूर, एक मिनट के बाद आएगा। देखिए, ये आपका नहीं आया, फिर करते हैं। मेरा भी जो है 4-5 बार में ही आया था, क्योंकि ये पूरा लॉक होता है। तो देखिए, इससे करेंगे तो आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ गया। अब यहाँ पर देखिए, आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, हम लॉक पिन लॉक डालकर जैसे ही ओके करेंगे और माउस को क्लिक करेंगे, जल्दी 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 क्लिक करना है, क्योंकि हमको फंक्शन में जाना है। ये देखिए, ये मैंने जल्दी जल्दी क्लिक किया, वो मतलब जहाँ स्क्रीन आ जाएगी वहाँ पे पिन को आपको अनलॉक करना है, 1 2 3 4 मेरा था कोड, अनलॉक करके माउस से आपको पुश करना है, बार बार जल्दी जल्दी करना है, जिससे कि आपका वो ये फंक्शन ऑन हो जाए। अब ये देखिए, ये का फंक्शन ये ऑन हो गया है। अब यहाँ पे हम सी ऑल करते हैं, सी ऑल करके हम देखेंगे, और यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिख जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए, पूरा ऑल कर दीजिए, नीचे फिर आइए सबसे एकदम स्क्रॉल पे यूट्यूब पर। अब हमें क्या करना है, हमें यूट्यूब पे जाना है एकदम अच्छे से। अब यहाँ पर जाने के बाद नीचे पे जाइए, इन ऑल एप्स नोटिफिकेशन, फिर नीचे यहाँ अबाउट्स पे जाइए। अबाउट्स पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, तो यूट्यूब टर्म्स एंड ये आपको दिख रहा है, आप 1 2 3 4 दूसरा, यहाँ पर आपको तीसरा जो है, तीसरा आपको जाइए, तीसरे पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्रोम खुल जाएगा, क्रोम में आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पर आपका क्रोम मतलब गूगल जो है वो ओपन होगा। फिर यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे सर्च करना होगा, हमको सर्च टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं www.google.com। जब गूगल लिख के हम उसको सर्च कर देंगे, देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने गूगल, आपको भी गूगल लिखना है, गूगल लिख के आपको टाइप करना है। टाइप करते ही गूगल की आपका पूरा पेज खुल जाएगा। फिर वहाँ पे लिखना है आपको एपेक्स लॉन्चर, ये देखिए आपका गूगल खुल चुका है। अब यहाँ पे हमें लिखना है एपेक्स लॉन्चर, आपका ये सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका है एपेक्स लॉन्चर से खोलने का।
आपको एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड करना पड़ेगा। आप एपेक्स लॉन्चर को पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है दो एक फाइल और होगी उस फाइल को भी डाउनलोड करेंगे। तो पहले एपेक्स लॉन्चर हम देख लेते हैं जो सबसे अच्छा और क्वालिटी का हो उस एपेक्स लॉन्चर को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जब तक कि आपका डाउनलोड ना हो जाए, बस आपको एपेक्स फाइल जो है लॉन्चर डाउनलोड करना है वो किसी भी वेबसाइट से करिए। मैंने जिससे किया ज़रूरी नहीं कि आप उसी से करिए, आप किसी से भी कर सकते हैं, बस आपका डाउनलोडिंग में एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, कभी कभी फाइलें अच्छी नहीं मिलती हैं या कहीं से सही से डाउनलोड नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और मैं इसीलिए आपको पूरे वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ये देखिए डाउनलोड है, मैं टैप कर रहा हूँ। यहाँ पर जब तक आपका डाउनलोडिंग शो नहीं करेगा तब तक फिर आपका काम नहीं बनेगा। ये देखिए अलाउ एक्सेस, हाउ टू इंस्टॉल, ये डाउनलोड करते हैं। दोस्तों जितना आसानी से आपको करना है कर लीजिए, क्योंकि हर कोई इस तरह से बताता नहीं है, सब लोग फॉरवर्ड करके बताता है। मैं आपको इतना इजी वे में बता रहा हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा इसको अनलॉक करने में, क्योंकि आपका फ़ोन है अगर आप मार्केट में जाते हो तो फिर आपको पैसा पे करना पड़ जाता है लंबा और अच्छा खासा। देखिए मैं कब से कर रहा हूँ या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, ये आपका डाउनलोडिंग में दिखा रहा है, एपेक्स लॉन्चर आपका डाउनलोड होने लगा है। अब हम इसको यहाँ पे जब डाउनलोड हो जाएगा तो इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम पहले और बाहर आते हैं। गूगल पे एक फ़ाइल है जो कि आपको और डाउनलोड करनी है, वो भी मैं आपको बता दूँ। दूसरी फाइल जो है वो है टेक्नो केयर APK, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लिखना होगा टेक्नो केयर APK। ये बहुत ही बेहतरीन, मतलब इस जिसने भी ये बनाया है बहुत ही बेहतरीन बनाया है, सभी फ़ोनों को, लगभग सभी फ़ोनों को इस तरीके से आप अनलॉक कर सकते हैं। ये देखिए ये आप टेक्नो केयर APK डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद का प्रोसेस भी मैं आपको पूरा बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन है और ये लगभग आपका लंबा प्रोसेस है और इसमें आपका आधा घंटा चला जाता है। ये देखिए डाउनलोड करते हैं, डाउनलोडिंग के बाद अभी एक ऑप्शन और आएगा मिररिंग के बाद, यहाँ पे बोलेगा डाउनलोड करने के लिए, तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ अभी, यहाँ पे लिख रहा है ना डाउनलोड, अब ये प्राइमरी आ गया, प्राइमरी हमको डाउनलोड करना है, प्राइमरी पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर। अब ये दूसरी फाइल भी हमारी लगभग डाउनलोड हो गई, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। आप एक फ़ाइल आपको APK डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन, और एक आपको टेक्नो केयर। अब आपका देखिए दोनों हो रहा है, और फिलहाल मैं यहाँ पर पॉज कर देता हूँ। टेक्नो केयर देखिए दो बार हो गया है, इसलिए हम एक बार काट देते हैं, इसको पॉज कर दिया हमने। अब जब ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद का प्रोसेस भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा और आसान है। ये देखिए आपका हो गया। अब हम एपेक्स लॉन्चर को लॉन्च करेंगे, अब हम एपेक्स लॉन्चर को इंस्टॉल करेंगे, मतलब लॉन्च करेंगे। ये देखिए आपको दिख लीजिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको करते जाइए, क्योंकि आपको जब ये तरीका आ जाएगा तो आप लगभग बहुत सारे मॉडल A20, A50, A30, 70 सभी का अनलॉक कर पाएंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है और सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता रहा हूँ। आप मेरे वीडियोस को जितना ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं करिए। कभी कभी इसमें मेरे बताए हुए तरीके से लोग नहीं कर पाते हैं तो कन्फ्यूज़ रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो उनका ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ये देखिए एपेक्स लॉन्चर मैंने इंस्टॉल कर दिया है पूरा। ये थीम होता है, ये ट्रायल वर्ज़न होता है, इस पर आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रायल वर्ज़न है, लेकिन आपको पूरा फ़ोन को फिर से अपने मोड में लाना है, मतलब फॉर्मेट करना है, तो इसको इस तरीके से करना पड़ता है। ये देखिए ट्रायल वर्ज़न है, ऐड आते हैं इसमें, इस थीम में। अब हमें यहाँ से जाना है, देखिए आप देख लीजिए एपेक्स लॉन्चर आपका हो ही गया है। अब यहाँ से हमें जाना है सेटिंग में, चलिए सेटिंग चलते हैं। सेटिंग के बाद आपको यहाँ से जाना है, आप देख लीजिए, देखते जाइए बस, मैं ढूंढ रहा हूँ अकाउंट्स है नहीं, बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन, इसमें आपको कहीं पे दिख रहा है कुछ अदर सिक्योरिटी सेटिंग, अदर सिक्योरिटी सेटिंग, फिर यहाँ पे डिवाइस, फाइंड माय डिवाइस को बंद कर दीजिए। आप देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा, पहले आपको जाना कहाँ है आप देख ही लिए हैं। अब उसके बाद आपको माई फाइल में जाना होगा, फाइंड माई डिवाइस को हमने कर दिया है, अब इंस्टॉल में जाके हम टेक्नो केयर को इंस्टॉल करेंगे। फाइंड माई डिवाइस हो गया है,
टेक्नो केयर को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चल इसके इसको डाउनलोड होने के बाद अपलोड मतलब इसको इंस्टॉल होने के बाद हम फिर से सेटिंग में जाएंगे। चलिए पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए तो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने बताया हूँ, ये माउस से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, नॉर्मल वे में नहीं होता है, बस एक माउस एक OTG केबल OTG और आपका फ़ोन अनलॉक करने का पूरा तरीका। तो ये मेरा जो वीडियोस है बहुत ही पसंद किया जा रहा है इस वक्त देश विदेश हर जगह पर इस तरह की वीडियोस। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस को लाइक कर पाओ शेयर कर पाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरी चैनल को ग्रोथ मिलेगा और मैं आपको और भी वीडियोस बता पाऊँगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ से अब जाते हैं एप्लीकेशन में सेटिंग के बाद, यहाँ से पूरा का पूरा खोल लेते हैं जो है पूरा, और गूगल प्ले सर्विस है यहाँ पे, अब उसको भी हम स्टॉप कर देते हैं जिससे इनेबल हो जाता है। अब यहाँ से हम बाहर आते हैं, देखिए बाहर आ गए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर से सेटिंग में ही जाना है। यहाँ से देखिए आपका हो चुका है, अब सेटिंग में जाना है फिर से। ये देखिए अब हमको यहाँ पर लॉगिंग करनी पड़ेगी, पहले देख लीजिए हम लोग पूरा एकदम देख लेते हैं शांति से। अब यहाँ से आपको फ़ोन देखिए यहाँ पे फाइंड डिवाइस हो गया है, अभी हमने लॉगिंग नहीं किया है, हमें लॉगिंग करना पड़ेगा। अब जाते हैं फिर अकाउंट में, यहाँ पर आपको यहाँ पर जाके वाले जो फाइंड डिवाइस है उसको हम देख लेते हैं। फाइंड डिवाइस को हम ओपन करते हैं पहले, ये फाइंड डिवाइस मेरा हो गया एक्टिवेट। उसके बाद यहाँ से जाते हैं लॉगिंग के लिए, फ़ोन को ही ऑफ़ कर दे रहा हूँ मैं, देखता हूँ कि इससे होता है कि नहीं होता है। लॉगिंग कर देते तो फिर आपका और अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर आपको अंदर जाके सेटिंग करके लॉगिंग कर लेते, नहीं तो फ़िलहाल तो इस तरीके से भी हो जाएगा आपका। फ़ोन A10 है, फाइंड माई डिवाइस हो गया है, वहाँ पे जब करेंगे तो क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इतना प्रोसेस आपको तो आ ही गया होगा। उसके बाद आपको अब करना क्या है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है फाइंड माई डिवाइस करके। अगर लॉगिंग कर देते तो फाइंड माई डिवाइस बाद में करते, लॉगिंग करके पहले अंदर से भी कर सकते हैं लॉगिंग, लेकिन मैंने इसको क्या किया है कि फाइंड माई डिवाइस कर दिया है, फिर फ़ोन को ऑफ कर दिया, सिक्योरिटी ऑन हो गई। अब यहाँ से लेट्स गो बोलेगा, लेट्स गो बोलने के बाद हम लोग को यहाँ पर लॉगिंग करनी पड़ेगी। देखिए अभी यहाँ पर दिखा रहा है, बस प्रोसेस देखते जाइए, बहुत ही ईजी और आसान है। चेक आउट आप देख सकते हैं, सेटअप दिस फॉर नाउ, ये बहुत ही अब टर्न ऑफ वाईफाई कनेक्टेड है तो नेक्स्ट तो हो ही जाएगा, वाईफाई टर्न ऑफ करा, लेकिन आगे बढ़िए, वाईफाई से कनेक्ट होना आपका ज़रूरी है तभी आपका प्रोसेस सब कंप्लीट होगा। तो देखिए आगे बढ़ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे स्कीप का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग, स्कीप कर देंगे तो पूरा साइन इन, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए फ़ोन आपका प्रिपेयर्ड हो रहा है, क्लोज ऐप जो आपका जो एप्लीकेशन था वो क्लोज हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट, चेकिंग फॉर अपग्रेड, नेक्स्ट बोल रहा है, स्कीप जब लिए है तो, जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, अकाउंट दिख रहा है, फ़ोन पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। अब स्कीप अकाउंट सेटअप कर दे रहे हैं गूगल प्ले स्टोर से, जस्ट अ सेकेंड। वाईफाई नेटवर्क है, आगे बढ़िए, यहाँ पे फिर से 7 कनेक्ट हो रहा है। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर लॉगिंग करनी है, लॉगिंग करेंगे क्योंकि फाइंड माई डिवाइस हो गया है, प्ले सर्विस ऑफ है। अब यहाँ पर हम क्रिएट अकाउंट करते हैं, चलिए लॉगिन करते हैं इसकी। कि जब आपका इस तरह का ऑप्शन आता है तो आपका फ़ोन लगभग ठीक हो चुका होता है, लेकिन इसमें इंटरनल फुल हो जाता है, इसलिए प्रोसेस ये थोड़ा सा रुक रुक के करता है। ये देखिए अभी चल ही रहा है, बार बार ऐप क्लोज बनने को बोल रहा है, डिजेबल करिए एंड्रॉयड सेटअप, नेक्स्ट। आप इस तरह से करते जाइए। अब यहाँ पर देखिए मोर ऑप्शन में दे रहा है, सेटअप वर्क डिवाइस,
क्रिएट अकाउंट, आप अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है, कर लीजिए, क्योंकि आपको गूगल यहाँ पे डालना पड़ेगा। बिना गूगल की सिक्योरिटी के आप अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए मेरा बना हुआ गूगल है, मैं उसी को बाल डाल देता हूँ, क्योंकि बनाने में टाइम समय बर्बाद होगा। तो जो लॉगिंग आपने किया था उससे कोई मतलब नहीं, आप नई लॉगिंग कर सकते हो, क्योंकि हमने फाइंड डिवाइस कर दिया था। आप अंदर से भी लॉगिंग कर सकते थे, मतलब जो फाइंड डिवाइस था वहीं पर आप सेटअप जाके फाइंड डिवाइस और प्ले सर्विस को ऑफ करके लॉगिंग करके फिर उसके बाद आप इसको करते फॉर्मेट, तो फिर ये ले लेता आपका, तो फिर भी वैसे भी ले लेगा, बाहर से भी ले लेगा, क्योंकि फाइंड डिवाइस कर दिया है आपने, पूरा अनलॉक हो चुका है, अब उसमें क्या है कि सिक्योरिटी ख़त्म हो चुकी है। देखिए बाहर आ गई, फिर से करते हैं, इसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है। अब ये प्ले सर्विस देखिए इनेबल लो करना पड़ेगा, डिजेबल अब हो गया, क्योंकि उसी से आपका गूगल प्ले सर्विस गूगल अकाउंट अंदर जाता है। तो अगर लॉगिंग कर देते और प्ले सर्विस भी ऑन कर देते अंदर से, तो आपका काम हो जाता। तरीका तो आपको सब पता ही होगा, बहुत लोग को नहीं पता इसलिए बता रहा हूँ। फाइंड डिवाइस ऑन कर दिया, प्ले सर्विस ऑन कर देते, वहाँ पर लॉगिंग कर देते, उसके बाद फ़ोन को फॉर्मेट कर देते, फ़ोन के अंदर फिर आप इंसर्ट कर देते, काम आपका हो जाता। लेकिन फिर भी आप देखते रहिए वीडियोज़ को, बहुत से लोग को नहीं समझ में आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप याद रखिए कि आपको एपेक्स लॉन्चर और टेक्नो केयर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो तरीका मैंने शुरू से बताया। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट को अंदर जाके फाइंड डिवाइस पहले आपको बंद करना होगा, प्ले सर्विस आपको बंद करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, फिर वहीं से सेटिंग में फिर वो ऑन कर देना होगा दोनों, प्ले सर्विस और इस, फिर फ़ोन को ऑफ करना होगा, फिर कंप्लीट पूरा फॉर्मेट करना होगा। इस तरह से प्रोसेस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस तरह के प्रोसेस से करके अपना कर लीजिए और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कर दिया है और अपना घर लग गया है। अब ये देखिए मैं आगे जा रहा हूँ, लॉगिन कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। अगर लॉगिन एक्सेप्ट ले लिया तो कहानी आपका बन जाएगा। ये देखिए पूरी आप क्या है कि सब हो रहा है अपनी सिस्टम में, कि पूरा का पूरा हो रहा है। शुरू में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है स्विच ऑफ होने के बाद, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप इंतज़ार, देखिए हर चीज़ में आपको इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा अकाउंट पड़ गया है, गेटिंग अकाउंट इनको, अब ये मेरा फ़ोन ऑन हो जाएगा, नो बैकअप फ़ोन। इसके बाद भी आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपका जो फ़ोन ये पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर लॉगिन को ऑफ करके, मतलब लॉगिन को रिमूव कर दीजिएगा, रिमूव करके एक बार फ़ोन को एक दो बार फॉर्मेट कर दीजिएगा, क्योंकि ये फाइल जो होती हैं ये सब क्रैक फाइल होती है और आपके इंटरनल को फुल कर देती हैं, फ़ोन आपका हैंग करेगा। इसलिए इतना होने के बाद भी मैं आपको बताऊँ कि आप लॉगिन जो किए होंगे, अगर आपको उसका पासवर्ड वासवर्ड नहीं पता होगा गलती से, तो उसको आप रिमूव करके फिर से लॉगिन कर दीजिएगा। मतलब बार बार रीसेट तो कम से कम दो बार कर ही दीजिएगा, जिससे कि आपका इंटरनल जो है वो क्लियर हो जाए। बाकी ये तो एप्लीकेशन है, सारे इंस्टॉल कर लीजिए, जो करने हैं कर लीजिए, जो नहीं करने हैं उसको छोड़ दीजिए। ये देखिए छोड़ देते हैं, जो क्योंकि हर एप्लीकेशन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर काट देते हैं, अब इसके बाद फिनिश करते हैं। अब ये फ़ोन जो है आपका अनलॉक हो गया है। दोस्तों मेरे चैनल सैमसंग देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, बाकी थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाएंगे तो ये आपका चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अकाउंट आपका जो मैंने लॉगिन किया है फ़ोन के अंदर, देखिए यहाँ पे टेक्नो केयर बोल रहा है कि ऑफ़ कर दीजिए। अब आपको ऑफ़ करना है ऑफ़ कर दीजिए, उड़ाना है उड़ा दीजिए। लेकिन फ़ोन को आपको दो तीन बार आपको रीसेट भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपका इंटरनल क्लियर हो जाए, क्योंकि एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर है ये, और ये अनइंस्टॉल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्रैश फाइल है, आपके फ़ोन को डिस्टर्ब करेगा, एक बार के लिए ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल में देखिए, अब इसको रिमूव भी कर सकते हैं अकाउंट से, फिर उसके बाद इसको रीसेट कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल अभिषेक शर्मा का कलेक्शन देखने के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पैसा बचाइए।